गाड़ी को क्या हुआ पता नहीं, गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है, स्टार्टर नहीं ले रही वो। कभी मुझे सच में अजीब लगता है कि मैं इतनी प्यारी प्लेस होके भी मैस कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, मॉर्निंग में उठ के आज थोड़ा एक्सरसाइज किया। यहाँ का बेस्ट पार्ट है ये लोग सुबह सुबह पेड़ को पानी देते हैं, उसके बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है। मेरे सोसाइटी की है, इसे निकाल देता हूँ। मेरे सोसाइटी की मेरी सबसे फेवरेट जगह है। जब भी कुछ भी फील होता है, कुछ भी ऊपर नीचे लगता है, यहाँ पे आके बैठो, 10-15 मिनट शांति से बैठो। सामने हमेशा लोटस होते ही है। तो टाइम हुआ 12:30। हमारा प्लान वैसे भी आज लेट ही होने वाला था। कल मैंने प्लान किया था हम लोग एक छोटा सा ट्रैवल प्लान करें। मम्मी का आज ऑनलाइन लेक्चर था, ऑनलाइन लेक्चर मॉर्निंग से चालू था। ऑनलाइन लेक्चर खत्म होते होते 11:30 बजे। अभी मम्मी को मैं बोला, मम्मी यार क्या आज तूने ट्रैवल प्लान कैंसिल किया, तो मम्मी ने एक छोटा सा प्लान बनाया। मम्मी बोलते ट्रैवल प्लान कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, हम लोग बाहर लंच के लिए जा सकते हैं। अभी लंच के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ, अच्छी जगह पे जाना है और रेगुलर रेस्टोरेंट में नहीं जाना है। अभी मम्मी वहाँ से मुझे गुस्से से देख रही है। आज स्टैंड फिर से बाहर आया, 2 दिन ये स्टैंड मैंने अंदर रखा था। कल ये सारा जैकेट वगैरह ये सारा सूखने के लिए रखा, जैकेट वैसे सूख गया है, इसमें जस्ट मुझे ये आमा वगैरह डालने हैं। ये मेरी बैग भी सूख गई है, अभी इसे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। आज है 39 डिग्री, और 39 डिग्री में मैं बाहर जाने का सोच रहा हूँ। कुछ कर तो नहीं सकते, वैसे समर से इतना कोई तकलीफ नहीं है। समर के लिए मैं एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ, जब समर स्टार्ट होता है तो हमें अजीब लगता है, लेकिन जब 10-15 दिन समर जाता है तो समर की आदत हमें लग जाती है, तो उसके बाद कोई नहीं, 39 डिग्री 40 डिग्री सेम ही लगता है। अपना लास्ट व्लॉग और जो मैंने गोवा राइड की थी, वो गोवा राइड में 3 दिन वाली गोवा राइड, ये दोनों टाइम पे अपना Hero 7 हैंग हुआ, और इतना गंदा हैंग हुआ, इसे कुछ तो अलग हुआ है। पहले ये जस्ट नॉर्मल हैंग होता था, पीछे से आवाज़ आ रहा है उसे इग्नोर मारो, पहले ये नॉर्मल हैंग होता था, अब ये हैंग भी हो रहा है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से हो रहा है। स्टार्टिंग का 1-2 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करता है, उसके बाद आवाज़ आता है लेकिन वीडियो पॉज। अगर मैं Hero 7 को अपग्रेड करना चाहता हूँ तो मेरे पास मार्केट में Hero 9 के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। Hero 10 ये ईयर के नवंबर तक आएगा, और मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट वैसे तो Hero 7 भी फील करता है, लेकिन अभी मैं 4K वीडियो बनाता हूं, तो 4K वीडियो के लिए अगर मेरे पास हीरो 9 रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। कोई भी एक सिंगल चीज हम चेंज करने का सोचते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है। ये जो मेरा कवर है ये हीरो 7 का कवर है, तो मुझे अगर हीरो 9 लेना है तो ये कवर चेंज करना पड़ेगा, बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, बैटरी के लिए अलग से जो चार्जर है वो चेंज करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट क्या, पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। ये सिर्फ GoPro के लिए नहीं, ये कैमरा के लिए भी सेम है। कैमरा चेंज हुआ तो लेंस भी चेंज हो जाती है। हर एक सेटअप, कोई भी सेटअप आप चेंज कर दो तो आपको छोटी छोटी चीजें सारी चेंज करनी पड़ती है। अगर मम्मी लोग के साथ ट्रैवल प्लान बनता है तो कितना सही रहेगा। अभी बाहर निकल रहे, मुझे गाड़ी में पानी बॉटल लेके जाने की आदत नहीं है। अभी मम्मी पहले बोली नहीं बाहर से नहीं लेंगे, 20 रुपए क्यों खर्चा करना है, तो यहाँ से पानी बॉटल लेके ही गाड़ी में बैठेंगे। 20 रुपए बचाए मम्मी आपने। 4 बजे ना, 4 बजे बोल रहे हो ना, हाँ 4 बजे ट्राई करता हूँ आने का। हमारी यहाँ सैटरडे संडे क्रिकेट खेलने का प्लान होता है पूरे विंग का, तो आज सैटरडे है, सैटरडे 3:30 का इन लोग का प्लान है, तो मम्मी के साथ बाहर लंच के लिए जा रहा हूँ। देखते अगर वो टाइम तक आया तो फिर आज क्रिकेट खेलने का मजा लेंगे। टेम्परेचर कितना है पता नहीं, घर से जैसे बाहर निकले चटके लग रहे, चटके। गाड़ी को क्या हुआ पता नहीं, गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है, स्टार्टर नहीं ले रही वो। कुछ मैंने पहले एक प्रॉब्लम हुआ था, मुझे लगता है वही प्रॉब्लम रहेगा। ये जो कनेक्शन है, बैटरी का कनेक्शन है, उसमें से एक कनेक्शन मेरा लूज़ है, तो ये हमने लास्ट टाइम फिट किया था। ये वाला कनेक्शन मेरा लूज़ है तो ये हमने लास्ट टाइम फिट तो किया था, शायद से इसी के वजह से बंद हुई होगी। अगर चालू होती है तो बहुत अच्छा होगा। एक तो बाहर भी निकलना है, बाहर निकलने से अच्छा ये है मुझे और कोई खर्चा नहीं चाहिए। इग्निशन तो आ गए, गणपति अप्पा थैंक यू, सब चल रहा है। एसी थाने में एक प्लेस है एयूर, मैंने बहुत पहले इसके बारे में सुना था, अभी मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया, वहाँ पे जा, वहाँ पे बहुत सारे ढाबा टाइप रेस्टोरेंट है, देखते आई होप कि वो प्लेस अच्छी लगे। 39 डिग्री और ये वेदर में ज़्यादा लंबा में जा नहीं सकता। अच्छा प्लान होता अगर हम लोग मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकलते, 5-6 बजे अगर मम्मी हम लोग कहीं निकलते तो बहुत मज़ा आता घूमने, हम आराम से 100-150 किलोमीटर तो अप एंड डाउन कर लेते, अगर तेरा वो ऑनलाइन लेक्चर नहीं होता तो।
ठीक है, मम्मी का काम भी जरूरी था। पीछे के साइड पे एक राइड था, वो राइड तो नहीं होगा, यही राइड था ना। पुलिस वाले हैं, उनको पूछेंगे। यहाँ से कितना दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। ओए ओए भाई, ये वो रील्स कहाँ पे? यहाँ पे बाइक चलाने में मजा आएगा। मुझे ऐसा लगा था ढाबा टाइप कुछ रहेगा, लेकिन ये गांव है ऊपर, एवूर गांव, उसी गांव के अंदर एक प्लेस है। ये तो ना ऐसे सेक्शन है, ये आ अच्छा बनाया मस्त है। ये देखो यहाँ पे क्रोकोडाइल है, लेकिन जगह से हिल नहीं सकती। पहले मैंने इनसे पूछा आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हो क्या, मैं वॉलेट घर पे भूल आया, मेरे पास अभी कार्ड नहीं है, सिर्फ गूगल पे फोन पे पेमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, फूड अच्छा था, टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी जगह है, और थाने से इतने नज़दीक है, मेरे घर से इतने नज़दीक है, तो और क्या चाहिए। इतने धूप में कार पार्क तो करके गए, अंदर गरम गरम होगा। जस्ट मैंने गोब्रो को अपडेट करने की कोशिश की, लेकिन गोब्रो अपडेट नहीं हो रहा है, पता नहीं उसे क्या हुआ है। मम्मी अभी बोल रही है मुझे शॉपिंग के लिए बाहर जाना है, इसका गपचा चालू है, अभी जाते हैं, ये लाना है वो लाना है, लेकिन मेरा दिमाग घुमा हुआ है, अपने काम नहीं हो रहे। और आज का दिन सच में मेरे बहुत सारे काम नहीं हुए, कुछ काम मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, लेकिन बोल नहीं सकता, मुझे क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा। ये हेवी था जितना सोचा था उससे। हम मम्मी बोल रही है ये मत दिखा, ये सारा सामान लेके आया, वो कैमरा लेके गया था, वहाँ पे भी मम्मी ने कैमरा नहीं निकालने दिया, बोलती ये सारा सामान लेना है, कि ये गेहूं का आटा, ये आटा, वो आटा, सारी चीज़ें लेनी है। शान बैठती ऐसी चीज़ें शेयर करता हो तो ये बात बहुत ये क्या? हाँ ये मेरे लिए लालच है, बोलते तेरे लिए चॉकलेट लिया तो अभी सब सामान घर तक तू लेके जा। एक दो दिन में मेरा एक प्लान था वो कैंसिल हुआ है, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, और महाराष्ट्र में कर्फ्यू भी लगा है, 11 से कुछ 8 AM या 7 AM तक कर्फ्यू लगा है। मैं जिस प्लेस पे जाने वाला था वो प्लेस महाराष्ट्र में ही है, तो वहाँ पे जाने के लिए भी एंट्री अभी नहीं है, तो देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं, आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो ही हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।